श्री राम के वंश में कुश पैदा हुए और जो कुश से संतानें पैदा हुई वो कछावा कहलाई। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे महाराज शिखा जी। सब ये लोग अयोध्या से निकले कछवा वंश के लोग, करोड़ों लोग भगवान राम के वंशज हम कहलाते हैं। राव शेखा जैसा योद्धा इस राजपुताना की धरती पर पिछले हजार साल में नहीं हुआ। महाराव शेखा जी राजस्थान के आइडियल, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत। महाराव शेखा जी की सबसे बड़ी भूमिका इस देश में, इस डेमोक्रेसी में ये रही कि उन्होंने अपने जमाने में पूरे शेखावाटी में पंचायत राज की स्थापना की। उनके विचारों का महत्व वो जो आज से 550 साल पहले था उससे ज्यादा आज है। आज जिस धर्म निरपेक्षता की हम लोग बात करते हैं, महाराव शेखा जी ने उसकी स्थापना आज से 550 वर्ष पहले कर दी थी। वो एक प्रकार से समाजवाद के भी पुरोधा थे, लोकतंत्र के भी पुरोधा थे। जब लोग तलवारों से अपना इतिहास लिखा करते थे, जब लोग समय की कीमत तो समझते थे लेकिन एक चुनौती के साथ दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते थे, वो परंपरा थी। धर्म की रक्षा के लिए जान दे देते थे, ऐसे थे महाराव शेखा जी। मैं तो कहता हूँ राव शेखा का मुकाबला इस हिंदुस्तान की धरती पर करने वाला दूसरा योद्धा नहीं था, जो जिसने 16 साल की उम्र के अंदर घोड़े की पीठ पर बैठ के लड़ना शुरू किया हो। आज हम जिस समाजवाद की बात करते हैं, ये समाजवाद राव शेखा ने उसी टाइम से, उन्होंने कह दिया था ऑल आर इक्वल। महाराव शेखा जी का एक राज्य की सीमाएं यहां से बढ़कर के रेवाड़ी तक अर्थात लोधी साम्राज्य दिल्ली तक टकराने लगी थी। उनकी नीतियों, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए महाराव शेखा जी के वंशज और शेखावाटी के प्रजाजन, शेखावाटी के लीडर्स काम करें, यही ईश्वर से कामना है। हम ये कोशिश करेंगे कि राव शेखा जैसी शख्सियत को हम हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करें, और इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा और हम इसके लिए भरकस प्रयास करेंगे। ये बड़ी खुशी की खबर है हम सब के लिए, हम शेखावाटी के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए। मेरी अभी इसके बारे में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं DC सिंह जी और गौरव अवस्थी से भी बात हुई, उन्होंने भी बहुत इस बात पे खुशी जाहिर की कि हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है महाराव शेखा जी के बारे में जन जन तक पहुंचाने का, इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ये कहीं ना कहीं एक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस आंदोलन से जुड़े और हमारे वीर श्रोमणी महाराव शेखा जी की जीवनी को अगर पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता है तो इससे गौरव की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी और ये हमारी लड़ाई की पहली जीत होगी।